दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा, कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 90 लाख के करीब, जबकि अब तक 9,26,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। दुनिया में 72 लाख से अधिक एक्टिव केस, 2 करोड़ से अधिक मरीज हुए ठीक, कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश, कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, 37 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, करीब 10 लाख एक्टिव केस। भारत चीन के बीच एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार, ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता बेनतीजा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत, संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात, कहा कोरोना काल में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बीजेपी का सेवा सप्ताह शुरू, 20 सितंबर तक मनाया जाएगा सेवा सप्ताह, पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेपी नड्डा ने की शुरुआत। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, मंदिरों में सेवा पूजन को आवश्यक सेवाओं में शामिल करने की मांग, मंदिरों में चरणामृत और अन्य प्रसाद वितरण करने की अनुमति देने की मांग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई, उमर खालिद को किया गिरफ्तार, यूएपीए के तहत उमर की गिरफ्तारी। कन्नौज में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, एजीएम को ज्ञापन देकर जताया विरोध। मिर्जापुर में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी रहा तैनात। मुजफ्फरनगर में सपा का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली पर प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने की प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना के खिलाफ पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, महाराष्ट्र में पूर्व सैनिक मदन शर्मा पर हुआ था हमला, हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। यूपी के पीलीभीत में दबंग प्रधान के डर से घर और गांव छोड़ने पर मजबूर परिवार, पुलिस भी नहीं कर रही सुनवाई, उच्च अधिकारियों से शिकायत, फिर भी नहीं मिल सका न्याय। कन्नौज में गलत इलाज से गर्भवती की मौत, ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर ने गर्भपात कराया, हालत बिगड़ती देख कानपुर किया रेफर, कानपुर जाते समय महिला ने तोड़ा दम। यूपी के लखीमपुर खीरी में पॉक्सो एक्ट का कैदी पुलिस कस्टडी से फरार, कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से हुआ फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में नीमगांव पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई, नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में पत्नी से अवैध संबंध के शक में 4 दोस्तों ने की युवक की हत्या, चाकू से किए कई बार, पुलिस जुटी मामले की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती कार बनी आग का गोला, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, लालपुर बैरियर के आगे गोला रोड पर हुआ हादसा। संभल में दर्दनाक हादसा, बबराला गावा हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने किशोर को रौंदा, किशोर की मौके पर मौत। संभल की चंदौसी में थाना जेआरपी कुमरी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। कन्नौज के अस्थायी जेल से कैदी फरार, कैदियों को जेल भेजने से पहले अस्थायी जेल में किया जाता है क्वारंटाइन, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। रायबरेली में डॉक्टर की दबंग गई, परिजनों को जमीन में गड़वाने की धमकी देता है, कहा पेमेंट दो और चुपचाप निकले। हरियाणा के भवानी खेड़ा में ओवरटेक के चक्कर में हुआ सड़क हादसा, एक युवक की गई जान, मृत युवक खाद बीज की दवाइयों का सप्लाई का कार्य करता है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर, मंगलवार से ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए करेंगे संवाद, वीसी के जरिए चिकित्सकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से करेंगे चर्चा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 3 दिन का लॉकडाउन, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर लिया फैसला, कुशलगढ़ नगर में दिखा बंद का व्यापक असर। सीकर के आईडीबीआई बैंक के 4 कर्मचारी निकले कोरोना संक्रमित, बैंक शाखा को किया सैनिटाइज, जयपुर के रहने वाले हैं 4 व्यक्ति। आरयू में 18 सितंबर से शुरू होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं, आरयू प्रबंधन की ओर से जारी हुआ टाइम टेबल, 180 परीक्षा केंद्रों पर 2,15,000 छात्र देंगे परीक्षा। पाली के सुमेरपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, पालिका प्रशासन ने की फॉगिंग की व्यवस्था ताकि मच्छर जनित रोगों को रोका जा सके। 12 के कस्बा थाना में अपराधियों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने चोरी के मामले में 2 चोरों को किया गिरफ्तार, एक चोर कोरोना संक्रमित, एक की रिपोर्ट आना बाकी। भरतपुर के पहाड़ी में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का दौरा कर ली जानकारी, टीम से अधीक्षक ने की चर्चा।
धौलपुर के गांव दरियापुर में सांप के डसने से पिता बेटे की मौत। सोते समय दोनों को सांप ने काटा, दोनों की मौत के बाद घर में कोहरा। जालौर के रानीवाड़ा में ब्लास्टिंग करते समय पत्थर उछल के व्यक्ति पर गिरा, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सांचौर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बेखौफ बदमाश, आधा दर्जन बदमाशों ने पिस्तल की नोक पर की होटल मालिक से लूट और मारपीट, लोगों के हत्थे चढ़ा आरोपी, घटना का वीडियो वायरल। कोटा की रामगंज मंडी की सब्जी मंडी में हड़ताल के चलते थोक विक्रेता की एक दुकान खुली, जिस पर रिटेल दुकानदारों ने सब्जी की खरीदारी, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मंडी में तैनात। जयपुर के चाकसू थाना इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, चाकसू थाना इलाके में चंदलाई पुलिया के पास की वारदात, मां बेटी की गला रेत करती हत्या। चाकसू में पति रामकिशन ने की पत्नी और सास की हत्या, हत्या कर खुद आरोपी पहुंचा थाने, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, पुलिस जुटी मामले की जांच। चाऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवकों की मौत, अलग अलग इलाकों में हुई दोनों की मौत, मामले की जांच जारी। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई, शहर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, आठ नामी सटोरियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद के भीम में NH-8 पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, दो घायल। भरतपुर के डीग में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, पुलिस को गच्चा देकर फरार हुए गौ तस्कर, पुलिस ने गौवंश से भरे वाहनों को किया जब्त। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, लक्ष्मणगढ़ के पनलावा गांव का मामला, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। अलवर के भजीत गांव में नरकंकाल मिलने से सनसनी, रोहित सैनी के रूप में हुई शिनाख्त, मौके पर मिले साइकिल, कपड़े और कीटनाशक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के सावर में विषाक्त के सेवन से विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने लगाए संगीन आरोप, ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। टोंक के पीपलू में पालनहार योजना में फर्जीवाड़े का मामला, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने लगाई फटकार, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में सब्जी की दुकानों में लगी आग, स्थानीय लोगों ने पाया काबू, शहर में फिर खड़ी दमकल की कमी। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरी कार पकड़ी, देशी शराब की पेटियां भी बरामद, कार चालक की तलाश जारी। अजमेर में दुकान से सामान चोरी करने का मामला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। टोंक के देवली में 64,000 रुपए की लूट के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, 31 अगस्त को फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई थी लूट, गांव के एक मंदिर में छुपे थे आरोपी। झालावाड़ के पिड़ावा में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मकान से नकदी जेवरात पर किया हाथ साफ, पुलिस जुटी जांच। बीकानेर पुलिस की कार्रवाई, चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 11 मोटरसाइकिल भी बरामद, आरोपी से पूछताछ जारी। जोधपुर की कुड़ी भक्तासनी पुलिस की कार्रवाई, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा, नकली शराब और स्प्रिट से भरे ड्रम की जब्त। बूंदी के बहादुरपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला, कब्जे की शिकायत करने वालों के खिलाफ पंचायत का फरमान, शिकायत करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया। बारां के शाहबाद में विवाहिता ने किया कीटनाशक दवा का सेवन, गृह कलेश के चलते कीटनाशक दवा खाई, अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती। बारां के छबड़ा में राजस्थान PhD तकनीक कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, वेतन कटौती आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया, सरकार के खिलाफ दिखाया रोष। जैसलमेर के पोखरण में आत्मदाह करने वाले गिरधारी भील की मौत, टांका तोड़ने की घटना से आहत होकर किया था आत्मदाह, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में यूथ अटक, राजस्थान की ओर से सहायक अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग, अनुबंधित कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सहायक अभियंताओं की ओर से नहीं हो रही सुरक्षा मामले की पालन। बयाना के लाल दरवाजा पर बना नाला लोगों के लिए बना परेशानी का सबब, आए दिन लोग हो रहे चोटिल, एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस जाने के कारण आम रास्ता हुआ जाम। कुचामन सिटी की हनुमान सावर कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वर्गीय नंदलाल को अनूठे अंदाज में दी परिवार वालों ने श्रद्धांजलि, परिजनों ने 33 यूनिट रक्तदान किया। मुंबई पुलिस की ओर से निजी न्यूज चैनल के मीडियाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला, डूंगरपुर सागवाड़ा पत्रकार संघ ने जताया विरोध, SDM को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर के कोलायत में मांस की दुकानों को बंद करने का मामला, उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, खुलेआम किया जा रहा दुकानों का संचालन।
राजसमंद के लोठियाना गांव में पैंथर के मूवमेंट से दहशत, पैंथर ने किया बछड़े का शिकार, ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की। मारवाड़ जंक्शन के बांसोर गांव के पास खेत में दिखा अजगर, ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को दी सूचना, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक घर से निकला करीब 8 फीट लंबा अजगर, 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा, वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1।